करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने आज सेक्टर 13 में सड़कों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण कार्य होने से लोगों को आ रही परेशानियों से निजात मिलेगी। इस मौके पर करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर लगभग 1,20,00,000 से भी अधिक के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है, जिससे करनाल के लोगों को बेहतर सड़क मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा करनाल के विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिसके चलते विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। उसी कड़ी में आज इस निर्माण कार्य का शुभारंभ कर एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इस मौके पर उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में नागरिकों को जागरूक करते हुए कहा कि इस महामारी को स्वच्छता एवं जागरूकता के कारण ही रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा भी इसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत अस्पतालों में पूरी सुरक्षा एवं स्वच्छता के माध्यम से अलग से वार्ड स्थापित किए गए हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही इससे ज्यादा भ्रम फैलाएं, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया कि सरकार द्वारा बड़े स्तर पर आयोजित फंक्शनों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और साथ में ही लोगों को जागरूक करने के लिए भी युद्ध स्तर पर जानकारियां मुहैया करवाई जा रही हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री, विधानसभा प्रतिनिधि संजय बटला व निगम पार्षद वीर विक्रम कुमार सहित अन्य शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। पहले भी एक टेंडर लगाया था पर लोगों की डिमांड थी कि इसको मिलिंग करके इसको दोबारा से बनवाया जाए। आज यहाँ 1,20,00,000 का ये शुरुआत हुई है काम की। 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो 13 सेक्टर की सड़कों का है। ये लगभग 15-20 दिन के अंदर इस काम को यदि मौसम खुला रहा तो जल्दी ही करवाएंगे। और ये निर्माण कार्य कहाँ कहाँ हो रहा है मैम करनाल में? आपके शहर में जहाँ भी सड़कों की जरूरत है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमेशा इस बात के लिए सजग रहते हैं कि शहर में लोगों की डिमांड को पूरा किया जाए। और जब इस बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मौसम खुलने पर इन सड़कों का नवीनीकरण करवाया जाएगा। और शहर की मॉडल टाउन की सड़क है, चाहे यहाँ की सड़क है, चाहे आज हमारी नावटी रोड की सड़क शुरू होने जा रही है, तो इस तरह के सड़कों के काम आप मैडम। पूरे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप चारों तरफ फैला हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि कोरोना से डरे ना, इसके लिए आप सजग रहें, अपने आप को स्वच्छ रखें, लोगों से मिलने जुलने के लिए जहाँ तक आपको संभव हो 1 मीटर की दूरी पर आप मिलें। और जो कोरोना का डर है उसे मन में ना बसाएं। और इस बात के लिए हमारी हरियाणा सरकार ने विशेष तौर पे बच्चों का ध्यान रखते हुए स्कूलों को बंद किया है। और ये भी सभी से गुहार लगाई है कि बहुत ज़्यादा कोई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन ना करें ताकि लोगों की भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.